शमशाबाद विधायक राजश्री सिंह एवं पूर्व विधायक रुद्र प्रताप सिंह कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर उमाशंकर भार्गव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए विधायक ने नटेरन क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को सामने रखा, जिसमें एक महत्वपूर्ण समस्या किसानों के खाते में आई बीमा की राशि को बैंक खाते में डालने और उससे कर्ज की राशि काटे जाने के कारण किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से हुई बातचीत के आधार पर कलेक्टर को अवगत कराने भी पहुंचे थे। विधायक ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा किसान के खाते में बीमा राशि पहुंचने के बाद 3 दिन से लेकर 7 दिन के भीतर उस राशि से केसीसी नहीं बनाकर किसान को उपलब्ध कराई जाए। विधायक ने इसके अलावा अन्य विषयों को लेकर भी क्षेत्र के विकास के लिए अपनी बात रखी। विदिशा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। ज्ञापन देने आया था, क्या था ज्ञापन? एक ज्ञापन तो था हमारा कि जो आदिम जाति कल्याण की जो बिल्डिंग है नटेरन में, उसमें जो गर्ल्स की बिल्डिंग है और जूनियर और सीनियर, तो एक बिल्डिंग बहुत क्षतिग्रस्त थी। तो हम ये चाह रहे थे कि क्षतिग्रस्त बिल्डिंग से हट के बालिकाएँ सीनियर बिल्डिंग में ही शिफ्ट हो जाएं। दूसरा हमारा ज्ञापन था कि जो अभी मुआवजा राशि मिली है वो क्या है, कर्जे में कट रही है। उस बात को लेके हमारे किसान साथी बहुत परेशान चल रहे हैं, क्योंकि पैसे अगर उन्हें मिलेंगे नहीं तो उनके उपयोग में नहीं आ पाएंगे। तो अभी जब माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बात को लेके चर्चा हुई थी और अभी कलेक्टर साहब ने भी बताया है कि अगर वो राशि कर्जे में कट रही है उसके 3 दिन बाद या 1 हफ्ते के अंदर ही उनको दूसरा केसीसी बन के मिल जाएगा, ये ऐसा कुछ तय हुआ है। पूरी पार्टी के वरिष्ठ जन थे, पहली मांग हमारी ये थी कि जो कॉपरेटिव की जो ब्रांच वहाँ लग रही है, जगह बहुत छोटी है, 10,000 किसान वहाँ लेन देन का करते हैं, तो नई बिल्डिंग के लिए हमें आवश्यकता थी। आदरणीय कलेक्टर साहब ने जो कि बैंक के चेयरमैन भी हैं उसको स्वीकृत कर दिया है, शीघ्र ही उसका निर्माण। दूसरी बात, जो बीमा की राशि हमें मिली हमारे किसान भाइयों को, वो बीमा की राशि चूँकि बैंक में सोसाइटी में गई, वो अपना पैसा काट रहे हैं, उससे किसान को परेशानी हो रही। किसान का कहना ये है कि हमारा पैसा अभी न काटा जाए और जो उपार्जन का पैसा आता है उसमें से हमारी किस्त जमा कर ली जाए। आदरणीय विधायक जी ने कल माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की थी, मुख्यमंत्री जी ने माननीय कलेक्टर साहब को आदेश दिए हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटियों के माध्यम से, बैंकों के माध्यम से जो राशि काटी जा रही है उसका तुरंत जो है केसीसी में परिवर्तित कर दी जाए और 1 हफ्ते में वो राशि जो जैसे कि 25,000 मेरी काटी, 1 हफ्ते में 25,000 रुपये नया केसीसी हमको मिल जाएगा। तो किसानों का जो भी काम चल रहा है वो सब काम प्रभावित नहीं होंगे और उसका फायदा मिलेगा। तीसरा हमारा एक आदिवासी छात्रावास नवीन बन गया है, तो एक पुराने छात्रावास में जो कि अंबेडकर भवन में लग रहा है वो बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गया है, तो जो पुराना छात्रावास खाली हुआ है उसको उसमें शिफ्ट करने का है, वो भी आदरणीय कलेक्टर साहब ने आदेश दे दिए और आज वो जिला संयोजक अवस्थी जी गए और देख के निर्णय करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।